जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। एक वैकेंसी निकाली है एसएससी ने, तो इसके लिए आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और ये उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या पैरामिलिट्री की कोई तैयारी कर रहे हो, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर साहब पहले से तैयारी कर रहे हो, तो उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वैकेंसी है, ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और पैरामिलिट्री में सब इंस्पेक्टर के लिए है। दोस्तों, हमें थोड़ा सा भय रहता है, थोड़ा सा ये रहता है कि सब इंस्पेक्टर मैं थोड़ी बन सकता हूँ, मेरे लायक थोड़ी ये वैकेंसी है। तो आज मैं इसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा, साथ ही आपको पिछली जो एग्जाम हुई है, जो 2019 की जो वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ भी आपसे शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम बहुत आसान है। दोस्तों, कांस्टेबल रैंक में जाना बहुत मुश्किल है, कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा आवेदन आते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर बनना आज भी बहुत आसान है। आप भी बन सकते हैं सब इंस्पेक्टर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है और एक कांस्टेबल बनने की योग्यता पूरी रखते हैं। तो आज इसमें मैं सारी चीजें आपके सामने अभी रखता हूं, एक एक चीज आपको डिटेल से बताऊंगा। बने रहिए पूरे वीडियो में, लगातार देखिए, और लास्ट में आपके पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, ये भी बता देता हूं। तो और साथ में दोस्तों, ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए है वैकेंसी, और साथ में महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसी दे रखी है। कई बार क्या होता है कि वैसे तो हर वैकेंसी के अंदर महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए जाते हैं, लेकिन उनमें अगर महिलाएं उपलब्ध नहीं होती तो वैकेंसी पुरुषों से भरी जाती है। लेकिन इस वैकेंसी के अंदर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के अंदर महिलाओं के लिए अलग से पोस्टें बताई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। तो पूरी डिटेल देखते हैं दोस्तों, 5-7 मिनट का टाइम मेरे साथ बने रहिए। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को, उनके लिए बता दूं कि डिफेंस से संबंधित जितनी वैकेंसी निकलती है, सबकी डिटेल्स आपको इसी चैनल के ऊपर आपको मिलती रहती है। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोस का सबसे जल्दी मिले। साथ ही दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस भी इस चैनल पे मिलती है, तो उन क्लासेस भी अगर आप फ्री क्लासेस तैयारी करना चाहते हैं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये एसएससी की वैकेंसी है। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020 है ये। इसमें सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 17 जून से शुरू होंगे और 16 जुलाई तक चलेंगे। यानी 17 जून से शुरू हो चुके हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन और 16 जुलाई तक चलेंगे। 150 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फेस्ट 29/9 से 5/10 तक होगा। दोस्तों बता दूं, इसमें दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर। सिलेबस में बताऊंगा आपको क्या क्या होता है फर्स्ट पेपर में, क्या क्या होता है सेकंड पेपर में, और पूरी प्रोसेस क्या होती है, फिजिकल में क्या क्या होता है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, कट ऑफ कैसे निकलती है, मेडिकल कैसे होता है, हर चीज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो ये फर्स्ट जो एग्जाम है दोस्तों, वो लगभग आपका 29/9 से 5/10 तक है, यानी कि आपके पास जो टाइम है वो 3 मंथ्स का टाइम है। तो अभी भी आप अगर तैयारी शुरू करेंगे तो भी आप आराम से कर सकते हैं। पहले से अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी है तो 3 महीने का टाइम मिल रहा है दोस्तों पहले पेपर में। इसके बाद में डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर सेकंड, और ये होगा दोस्तों 1 मार्च को। लगभग 2 से 3 महीने के बीच में इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, बाद दिसंबर में लगभग रिजल्ट आएगा, और 1 मार्च को, यानी लगभग 2 महीने का टाइम आपको सेकंड पेपर के लिए भी मिलेगा। ये देखिए, आप वैकेंसीज देख लीजिए कि पोस्टें कितनी निकली है। तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, वो सारी वैकेंसी देख लीजिए, टोटल 91 वैकेंसी है दिल्ली पुलिस के लिए। 91 सब इंस्पेक्टर है ओनली मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से वैकेंसी है दोस्तों, 78 वैकेंसी है। जितनी मेल कैंडिडेट्स के लिए लगभग उतनी वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, 1395 वैकेंसी है मेल के लिए, 1342 और फीमेल के लिए 53, टोटल 1395, 1400 वैकेंसी लगभग ये है, और सब दिल्ली पुलिस वाली लगभग 200 के आसपास वैकेंसी, 150 के आसपास। तो इस तरह से टोटल दोस्तों लगभग होगी आपकी ये 1600 के आसपास वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर्स के लिए। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं अपन इसमें एज क्या रहेगी। तो एज जो रहने वाली है वो देख लीजिए, यहां से दे रखा है एज लिमिट, ये रहती है 20 से 25 साल। साथ में रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन दे रखा है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स, इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स। अब इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों बैचलर डिग्री चाहिए,
स्नातक डिग्री चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कोई भी हो सकता है, केवल स्नातक डिग्री चाहिए। जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इसमें एक डेट दिया हुआ है, उस तक आपके पास में वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के लिए जो सब इंस्पेक्टर होंगे उनके लिए लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस अनिवार्य है, ये चीज ध्यान रखिए आप। अगर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर, तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा इसमें दे रखा है। बाकी सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन है, किसी प्रकार के परसेंटेज वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। अब इसके बाद ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, और जो पूरी प्रक्रिया रहेगी वो भी इसमें साफ दे रखी है कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन पेपर फेस्ट होगा, पेपर फेस्ट में क्या क्या सिलेबस रहेगा आगे देखेंगे अपन, लेकिन पेपर फेस्ट के बाद में, पेपर फेस्ट होने के बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी होगा, पीएसटी मतलब हाइट चेस्ट वेट होंगे। उसके बाद में फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में क्या क्या होगा वो भी अपन आगे बात करेंगे। और उसके बाद में होगा दोस्तों पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड होने के बाद होगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद में फाइनल मेरिट बनती है। पेपर फेस्ट के लिए क्या क्या है इसमें, ये एग्जाम का डेट पहले बता चुका हूं मैं कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन एग्जाम होगा ये, और इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स दोनों दे रखे हैं, 50-50 चार पार्ट में बांटा है, 200 क्वेश्चन और मार्क्स भी एक एक अंक का होगा, तो 200 ही अंक होंगे। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसके बाद में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, और इंग्लिश कम्प्रिहेंशन है। यानी कि 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चन का एक जनरल सा पेपर होता है। और फर्स्ट पार्ट की कट ऑफ क्या रहती है बाद में बताता हूं मैं आपको लास्ट में, कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ उसमें कट ऑफ क्या रही है। बहुत ही कम कट ऑफ रहती है दोस्तों, आप आश्चर्य करेंगे कि क्या इतनी कट ऑफ में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये चीज आपको जब कट ऑफ बताऊंगा तब पता चलेगा। जब ये फर्स्ट पेपर आपका होगा, इसके बाद में पेपर सेकंड के बारे में भी आपके मन में ये होगा कि सेकंड पेपर जो होगा उसमें क्या होने वाला है। सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है दोस्तों, और इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है और मैक्सिमम मार्क्स भी 200 है। यानी 200 नंबर का पेपर होगा इंग्लिश का, 200 क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें ये 2 घंटे का टाइम होगा टोटल इसमें। और इसके बाद ये क्वेश्चंस पेपर कैसे होते हैं ये भी बता दूं आपको, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे दोनों ही पेपर में, नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट रहेगी वो 170 सेंटीमीटर है, चेस्ट है वो 80-85 है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 हाइट होगी, और इसके अलावा वेट दिया हुआ होगा। यानी एसटी की जो महिलाएं हैं उनके लिए हाइट रहेगी वो 154 रहेगी। वेट जो होगा इसके अंदर हाइट के अनुसार होगा ऑल पोस्ट के लिए। फिजिकल इंड्योरेंस जो होता है वो भी देख लीजिए आप, फिजिकल इंड्योरेंस में क्या क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो कांस्टेबल बनने के लिए, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस की बात कर रहे हो, उससे आसान फिजिकल होता है दोस्तों, ये देख लीजिए आप। और फिजिकल के लिए कोई मार्क्स नहीं है किसी प्रकार के, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। और एक चीज और मैं बता दूं, जो बच्चे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले हैं, जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में बनने वाले हैं, उन बच्चों के लिए भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बहुत बड़ा अंतर होता है, चाहे आप दूसरे किसी पुलिस में भी अगर आप दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस है, चाहे बिहार पुलिस है, चाहे हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस है, जिस पुलिस के लिए भी, स्टेट पुलिस का सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर में बहुत अंतर होता है। पोस्ट में भी अंतर होता है दोस्तों, साथ ही सैलरीज में भी अंतर होता है। दिल्ली के अंदर जो अलाउंसेज हैं वो बहुत ज्यादा अलाउंसेज मिलते हैं, और हमेशा एक ही जगह रहने वाली जॉब है, दिल्ली से बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर, तो बहुत अच्छा जॉब है। जो बच्चे सब इंस्पेक्टर तैयारी कर रहे हैं दूसरे स्टेट पुलिस की, उनके लिए भी बहुत अच्छा जॉब है। पूरे इंडिया के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, ये भी आपको मैं बता दूं कि आपको किसी भी स्टेट से, चाहे आप बिलोंग करते हैं, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी आपके लिए, जिसमें सारी जानकारी मैंने बता दी। इसके अलावा दोस्तों जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में बता देता हूं, ये है आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, बीएसएफ में, आईटीबीपी में। तो उसके लिए प्रेफरेंस आपको, वरीयता आपको अभी भरनी है ऑनलाइन के टाइम, और वो आपको चुनाव कैसे करना है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रहा हूं, जिसमें मैंने पूरी चीजें डिटेल बताई है कि कौन सी फोर्स क्या काम करती है, सीआरपीएफ क्या काम करती है, बीएसएफ क्या काम करती है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, और पहले से ध्यान रखना इस चीज का, बाद में आप वरीयता चेंज नहीं कर पाएंगे।
अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ क्या रही है, जो 2019 का जो पेपर लगा था सीपीओ एसआई का, उसकी कट ऑफ क्या रही है, कितने बच्चे उसमें बैठे थे एग्जाम में और क्या कट ऑफ रही है। ये 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक हुआ था और इसके अंदर टोटल 2,63,904 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, यानी लगभग 2.5 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। कितनी बड़ी वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर की और लगभग 2,63,000 बच्चों ने उसमें अपीयर हुए थे, बैठे थे सिर्फ, यानी फिजिकल के लिए जो बच्चों ने क्वालिफाई किया है 2,63,000 में से, वो फीमेल के लिए देख लीजिए, फीमेल के लिए जो कट ऑफ रही है वो एससी की कट ऑफ है 75.45। 75.45 का मतलब है दोस्तों ये 200 नंबर में से है और 892 कैंडिडेट सिर्फ इसके लिए योग्य पाए गए, इसका मतलब है लगभग 37% कट ऑफ रही है। इसके बाद में एसटी की कट ऑफ रही है वो 36% रही है, ओबीसी की कट ऑफ है वो 96, मतलब कितना हो गया ये सिर्फ 48% कट ऑफ रही है, और जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी कट ऑफ दोस्तों सिर्फ 52% रही है, 52% रही है ओनली, और टोटल 4,035 है वो फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं, ये 4,000 फीमेल कैंडिडेट्स ओनली पास हुई है, और जो जनरल की कैटेगरी कट ऑफ लिस्ट है वो 52% है, 100 में से सिर्फ 52 नंबर लाने वाले बच्चे को, और इसके लिए फिजिकल के लिए कॉल किया गया है, पहली एग्जाम पास कर लिया उसने। इसके बाद में देखते अपन नीचे, देखते अपन मेल कैंडिडेट्स के लिए भी लगभग यही रही है, कोई अंतर नहीं है, लगभग वही 35% कट ऑफ मार्क्स, 35% रहे हैं एससी के लिए, एसटी के लिए उससे भी कम रही है, ओबीसी के लिए 45% रही है, और जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 50.5%, यानी कि सिर्फ 50% वाले बच्चे जनरल कैटेगरी में 41,888 बच्चे आ गए, यानी सिर्फ जो 200 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसमें से आपको 100 नंबर लेने हैं सिर्फ। अब देख लीजिए इससे आसान एग्जाम हो सकता है क्या, कोई एग्जाम इससे आसान नहीं है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को मेरी तरफ से ये सलाह रहेगी कि आप एक बार आप इस एग्जाम में बैठ के देखिए, आप आराम से फाइनल तक पहुंच जाएंगे। इससे ज्यादा अगर आपको और जानकारी चाहिए सब इंस्पेक्टर बनने के लिए तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर एक स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं मुझे। रिम क्लासेस आपके लिए पूरा बैच तैयार करवाता है जिसमें हम फर्स्ट पेपर की तैयारी भी करवाते हैं, फिजिकल की तैयारी भी करवाते हैं, इसके अलावा सेकंड पेपर की तैयारी करवाते हैं, मेडिकल के बारे में भी आपको गाइड करेंगे, और फाइनल सब इंस्पेक्टर बनाने तक की जिम्मेवारी लेता है रिम डिफेंस एकेडमी, जयपुर में है एकेडमी। ऑनलाइन क्लासेस आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो, फिजिकल के लिए आप रिम डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है इस बार ये, आप उसमें आराम से अपनी जगह बना सकते हो, दिल्ली पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी जरूरत है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, आप कांस्टेबल बनने में विश्वास मत करिए, कांस्टेबल में दोस्तों 20 लाख 25 लाख आवेदन आते हैं, इसमें वो आवेदनों की संख्या बहुत कम रहने वाली है। और मैं बता दूं कांस्टेबल की जो कट ऑफ है, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, चाहे किसी भी स्टेट पुलिस का कांस्टेबल है, उसकी जो कट ऑफ रहती है दोस्तों वो 80% के आसपास रहती है, 70-80%। और ये जो सब इंस्पेक्टर है, जो पैरामिलिट्री में सब इंस्पेक्टर है या दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर है, इसकी कट ऑफ दोस्तों 50% है। बैठने वाले वही बच्चे हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आराम से बन सकते हैं, आराम से फाइनल तक जा सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से एग्जांपल मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में जिसमें जो बच्चे कांस्टेबल में नहीं बन पाए, जो कांस्टेबल में ओवरेज हो गए वो बच्चे सब इंस्पेक्टर बन गए, और जो बच्चे सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाए वो डायरेक्ट ऑफिसर बन गए। तो इसी तरह की एक वैकेंसी असिस्टेंट कमांडेंट और आती है साल भर में, यूपीएससी लेती है, उसके बारे में भी एक दिन आपको इसी तरह से पूरी डिटेल बताऊंगा। बने रहिए लगातार और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, बताइए मुझे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।